स्वागत है आपका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो कि हम गांधी मैदान से लगातार आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कृषि यंत्रों को लेकर, क्योंकि कृषि आखिरकार हमारा सब कुछ है। 80% लोग बिहार में कृषि पर निर्भर हैं। तो अभी हम एक ट्रैक्टर के पास खड़े हैं जिसका नाम है जॉन धीर। और ये ट्रैक्टर में खास बात जो हमें बताई गई है वो ये है कि ये चारों व्हील जो इसका चारों चक्का है वो मशीन के द्वारा चलता है। आमतौर पर जो हम ट्रैक्टर देखते हैं या फिर और गाड़ियाँ जिसमें टू व्हील ही मशीन द्वारा चलती है, तो क्या ये क्या खास होता है, इससे क्या मतलब इससे अलग है? क्योंकि हम आमतौर पर तो वो भी तो ट्रैक्टर है, वो भी चल रहा है, क्या उससे उसका क्या बेनिफिट है और इससे क्या क्या अंतर है, यही समझना है। तो सर क्या नाम हुआ आपका सबसे पहले? मेरा नाम हिमांशु कुमार है। हाँ, मैं अभी साउथ बिहार का सर्विस देखता हूँ जॉन डियर ट्रैक्टर में। तो ये क्या इसमें क्या खास है सर, ये चार व्हील जो आपने बताया कि चारों चक्का ये मशीन के द्वारा चलता है, तो क्या अलग है, क्या फायदा है इसका? ट्रैक्टर में ये जो ट्रैक्टर है ये 40 HP का है और ये छोटे ट्रैक्टर में 4-व्हील ड्राइव है। इससे किसान को बेनिफिट है, जो स्लिपेज होता है खेत में रोटावेटर के दौरान या जो भी हैवी इम्प्लीमेंट यूज करते हैं, खासकर जो पडलिंग का केस होता है जहाँ पे धान की रुपाई के लिए खेत तैयार करते हैं, तो उसमें ज्यादा ही बेनिफिशियल है। इससे स्लिपेज नहीं होता। स्लिपिंग जो होता है हम देखते हैं राउंड करते रहता है चक्का, तो वो ये चार व्हील काम नहीं करता, इसके लिए होता है, ये स्लिपेज को रोकता है। और स्लिपेज कम होने से फ्यूल कंजम्पशन कम होता है और इसके साथ ही ट्रैक्टर की प्रोडक्टिविटी बढ़ता है और इसके साथ ही फ्यूल कंजम्पशन बहुत कम रहता है 4-व्हील ड्राइव से। फ्यूल कंजम्पशन कम है क्या? जैसे हम लोग जब चार व्हील आपने जब बताया तो मेरे दिमाग में आया कि ओ अच्छा, मतलब ये डीजल कंज्यूम ज्यादा करता होगा, ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर 4-व्हील ड्राइव हम यूज करते हैं तो इसमें ऑप्शन है 2-व्हील ड्राइव 4-व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शन यूज कर सकते हैं। हाँ, अगर आप हॉलेज में यूज कर रहे हैं या आप ऑन रोड यूज कर रहे हैं तो 2-व्हील ड्राइव में यूज कर सकते हैं। अगर आप खेत में यूज करते हैं जहाँ पे हैवी इम्प्लीमेंट का यूज है तो वहाँ पे 4-व्हील ड्राइव करते हैं, वो उसके थ्रू आपको व्हील स्लिपेज नहीं होगा, जिसके कारण से आपका तेल की बचत होता है किसान भाइयों को। और इस पे 5 साल की वारंटी है, 5 साल की कंप्लीट वारंटी है। और इसका कीमत क्या है? इसका कीमत है 7,51,000। 7,51,000 डिस्काउंट सब्सिडी क्या? अभी डिस्काउंट भी है, कस्टम हायरिंग के थ्रू अगर लेते हैं तो उसमें 80% तक डिस्काउंटेड है। 80% यस। तो ये फ्यूल कंजप्शन क्या है इसका सर? फ्यूल क्या? ये डिपेंड करता है कि हम इसको किस पर्पस में यूज कर रहे हैं। अगर हॉलेज में कर रहे हैं तो उसके साथ है, और फ्यूल कंजप्शन डिपेंड करता है बहुत चीजों पे, हम क्या एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले फ्यूल कंजम्पशन, ये बहुत इफिशियंट ट्रैक्टर है और ये किसान भाइयों को पता है कि खेती में क्या लगता है, फ्यूल कंजम्पशन क्या होता है, रोड पे क्या होता है, इसका मेजरमेंट है और किसान भाइयों को पता है। चलिए शुक्रिया सर। तो इसका क्या फायदा हो सकता है? 4-व्हील जो टेक्निक है ट्रैक्टर, ये जो अलग है काफी दूसरों ट्रैक्टर से, तो उसका क्या फायदा है? जिस तरह से खास तौर पर हमें जो बताया गया सर ने बताया कि राउंड जो हमारा ट्रैक्टर करता है, मशीन करता है, स्पेशली जब कीचड़ वाले खेत जो धान के लिए तैयार किए जाते हैं तो उसमें, तो उससे आपको बहुत बेनिफिट मिल सकता है। बाकी आपको ये जानकारी कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।